Well, let me stop this. Now it is started, I think. Is it started now? Yes, sir. Sorry, yes, sorry, sir. Sorry. Okay. So, state ka definition jo hai, that has been given in article number 12. So, article 12 ke indicate karta hai ki state mein kya kya aayega. What will come under state? Because aapko fundamental right jo hai, wo state authority ke against mein hi milte. Agar koi public authority, state authority, अगर आप सिविलियंस के ऊपर कोई अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है, ऐसे कुछ कानून को ला रही है जो कानून बिल्कुल भी सिटीजन्स के राइट्स के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, तब आपको ये याद रखना है कि पब्लिक अथॉरिटी कौन आएगा, स्टेट में कौन कौन आएगा. गवर्नमेंट आता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आता है, ठीक है. गवर्नमेंट सेंट्रल का, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसमें क्या आएगा, एग्जीक्यूटिव और इसका लेजिस्लेटिव ऑर्गन भी आएगा यूनियन गवर्नमेंट का. ओके, एग्जीक्यूटिव मीन्स जो लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी, और लेजिस्लेटिव ऑर्गन यानी जो कानून को बनाने वाली बॉडी पार्लियामेंट की. गवर्नमेंट और एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, जो राज्य का गवर्नमेंट है, राज्य की जो विधानसभा है वो भी इसमें स्टेट में ही आती है, उसका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन भी इसमें आएगा स्टेट के अंडर. स्टेट में और क्या आता है, जो लोकल अथॉरिटी होती है, म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें किस में आती है, ये सॉरी स्टेट में आती है. सो ऑल अदर अथॉरिटीज, और इसके साथ साथ ईबीसी को छोड़ के और भी कुछ अथॉरिटी आती है, जैसे LIC, ONGC, सेल, ये भी स्टेट अथॉरिटीज में आती है, ठीक है. तो इनकी एक्शन जो भी अगर होगी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट, उसको बोला जाएगा वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, स्टेट अथॉरिटी बोला जाएगा इसको, ठीक है. सो लेट्स मूव अहेड. 13 नंबर का हमने डिस्कस किया था, 13 नंबर का आर्टिकल मैंने डिक्लेयर किया था आपको, कि 13 नंबर में मैंने बोला था कि लॉ कैसा रहेगा, ठीक है. मैं इसके बारे में आपको बताया था, टर्म लॉ जो है इन आर्टिकल 13 हैज बीन गिवन इन अ वाइड कनोटेशन. लॉ इसका मतलब क्या है, कोई भी अगर कानून, याद रखना, अगर कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट पास करेगी या लेजिस्लेटिव अथॉरिटी पास करेगी, तो कानून जो होता है कोई भी एक्ट, वो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग ही पास होना चाहिए. अगर वो संविधान को वायलेट करके पास किया जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि वहां पे ज्यूडिशियल रिव्यू किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. सुप्रीम कोर्ट उसको थोड़ी ना पास होने देगा. ज्यूडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, चेक एंड बैलेंस करेगा सुप्रीम कोर्ट उसको. तो इसमें लॉ का टर्म दिया है, लॉ एन ए केस ऑफ लॉ, कौन सा लॉ रहेगा एप्लीकेबल, ठीक है. तो ये मैंने आपको ABCD में बताया था. परमानेंट लॉ जो है पार्लियामेंट ने जो इम्प्लीमेंट किए हैं, ठीक है, तो ये आर्टिकल 13 में आएंगे. टेम्प्ररी लॉज, जैसे कि ऑर्डिनेंसेज जो राष्ट्रपति डिक्लेयर करते हैं, ऑर्डिनेंसेस जब लोकसभा, राज्यसभा और आइदर ऑफ द हाउस इज नॉट इन द सेशन, ओके, उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑन एमरजेंसी बेसिस ऑर्डिनेंसेज होता है, निकालता है, डिक्लेयर करता है, जाहिर करता है, ठीक है. सो ये प्रेसिडेंट इशू करता है, ये भी आर्टिकल 13 में आएगा. तो ये वायलेशन नहीं है, ठीक है. स्टेटरी इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जैसे कि एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, जैसे ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन और नोटिफिकेशन, कुछ स्टेटरी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जैसे कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उसको बोला जाता है, तो वो पार्लियामेंट करवा सकती है इमरजेंसी में. नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ, जो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज से लॉ की, जैसे कि कस्टम यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, कुछ ऐसी बॉडीज है जिनको फोर्स ऑफ लॉ है, यानी कि उसको कानून करने की पावर है, ये भी बॉडी इसमें आएगी, ठीक है. देन मैंने आपको ये सारे फंडामेंटल राइट्स बताए थे वन बाय वन, आर्टिकल 14 to 18, 14 किससे रिलेटेड है, उसके बाद 15 किस में आता है, देन 16 में क्या है, 17 क्या है, 18 क्या है, ठीक है. सो राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल्स आपको याद रखने एग्जाम के लिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, UPSC ने पूछा, MPSC ने पूछ लिया, कि आपको जो दिए गए आर्टिकल्स है उसमें से आपको मानो सिक्वेंस पूछ ली उन्होंने, कौन सा आर्टिकल कौन से आर्टिकल में क्या प्रोविजन दी है. मान लो अगर 15 नंबर का आर्टिकल है, उसमें क्या प्रोविजन, अगर मैं आपको पूछूं बताए 15 में क्या दिया है, यू शुड नो इट. 15 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस और कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान या किसी का वंश, किसी का धर्म, किसी की जाति, इसके आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. अगर ऐसा कुछ कर रही है पब्लिक अथॉरिटी, तो वो कानूनी गुनाह है, वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, ठीक है. उसके बाद इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ, मैंने आपको बताया था, कानून के आगे सबको समान, सबको समानता, कानून सबके लिए समान है, कोई कानून के ऊपर नहीं है, ठीक है. तो ये आर्टिकल 14 में आता है. कोई रिच और पुअर के लिए कानून नहीं होता है.
16 में मैंने आपको बताया था इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 बताया था, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता, उसके खिलाफ अगर उसका कोई वायलेशन करेगा तो आर्टिकल 17 में उसके अंदर उसको कानूनी शिक्षा यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेबल रहेगा 32 के अंदर आर्टिकल। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स है, एक से मिलिट्री एंड एकेडमिक, तो मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल छोड़ के बाकी जितने भी टाइटल्स है जैसे बहादुर, राय बहादुर, महाराज, ये सारे टाइटल्स कोई किसी को अपनाएगा नहीं, ये सारे टाइटल्स खत्म कर दिए थे जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद सारे टाइटल्स खत्म हो गए थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया तब। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, ये अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सारे आर्टिकल्स मैंने आपको ये बेसिक बता दिए थे कि 22 में क्या प्रोविजन है, 23 में क्या है, 24 में क्या है, 25 में क्या है, 6 में क्या है, 27 में क्या है। और मैंने ये भी बताया था कौन से राइट्स फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल है, फॉरेन सिटीजन्स के लिए, और कौन से राइट्स इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, ये भी मैंने आपको यहाँ डिफरेंसेस बताए थे। तो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉट टू फॉरेनर्स, यहाँ पे बता, यहाँ पे बोल रहा है फंडामेंटल राइट्स ओके अवेलेबल टू बोथ, ये दोनों के लिए, सिटीजन्स के लिए भी फॉरेनर्स के लिए भी। आर्टिकल 15-16 यहाँ पे जो आर्टिकल्स है 1921, ये आर्टिकल सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए होते हैं, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स है 14, 20, 21A, ये फॉरेनर्स भी इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ आगे बढ़ते हैं। सो 13 नंबर का आर्टिकल भी सिर्फ सिटीजन के लिए होता है। उसके बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27 जितने भी आर्टिकल्स है, दीज आर ओनली फॉर दीज आर फॉर फॉरेनर्स एज वेल एज इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। तो ये फॉरेनर्स को भी इंजॉय ये कर सकते हैं इंडियन। नाउ राइट टू इक्वालिटी हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। राइट टू इक्वालिटी क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दिस ऑल्सो वी डिस्कस्ड। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ये भी डिस्कस कर लिया था हमने। आई थिंक आतिफ वॉज प्रेजेंट इन द लास्ट लेक्चर, प्रियंका वॉज देयर, सो हैव यू डिस्कस दिस पॉइंट्स, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, क्या हमने ये डिस्कस किया था? आतिफ और प्रियंका बताइए, have we discussed this point, prohibition of discrimination on certain grounds? No sir, ये नहीं हुआ था। okay, इसका पहला सब कुछ हो गया था, ठीक है। यानी 14 आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया था, सो 15 नंबर का बाकी था, तो यहाँ से हम डिस्कस करते हैं। सो आर्टिकल 15 क्या होता है, बेसिकली आर्टिकल 15 ये आपको डिफाइन करता है, एक मिनट, एक्चुअली मेरा राइटिंग पैड की कॉर्ड है ना खराब होगी। So, prohibition of discrimination on certain grounds. Article 15 provides that the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth. इस आधार पे स्टेट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो भी पब्लिक अथॉरिटी होगी वो स्टेट में आएगी। तो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी किसी भी सिटीजन के साथ उसके लिंग को लेके, उसकी जात को लेके, धर्म को लेके, वंश को लेके या प्लेस ऑफ बर्थ को लेके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो टू क्रूशियल वर्ड्स इन दिस प्रोविजन यूज किए गए हैं, दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस आर्टिकल में यूज किए, कौन से, वो पहला है डिस्क्रिमिनेशन और दूसरा है ओनली। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक एडवर्स डिस्टिंक्शन विद रिगार्ड टू और टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स, दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ कंपेरिजन करके उनको डिस्टिंग्विश करना, उसका डिफरेंस करना। और use of word only, इसका मतलब होता है यहाँ पे discrimination on other grounds that is not prohibited, okay, जो ground prohibited नहीं है अगर उस पर, इसका only का मतलब है। आप उन्होंने यहाँ provide किया ना आपको only, तो ये वाला word और ये वाला word, ये दो words important उन्होंने यहाँ पे बोला है। इसके ऊपर कोई सवाल तो नहीं आएगा, बस आपको सिर्फ ये वाला line जो है this is important। उसके बाद इसमें और exceptions क्या हम discuss कर लेते आगे। यहाँ पे उन्होंने बोला है सर्टन, द सेकेंड प्रोविजन ये है आर्टिकल 15 में, वो क्या बोलता है कि नो सिटीजन शैल बी रिजेक्टेड, कोई भी नागरिक को डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। तो आर्टिकल 15 में दो प्रोविजन दिए हैं,
तो मैं आपको ये बताता हूँ कि दो प्रोविजन क्या है। स्टेट अथॉरिटी, देखिए कोई भी शॉप से रिगार्डिंग, मानो कोई शॉप है उसको लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसको, यानी कि वहाँ पे कोई जा नहीं सकता, यहाँ पे ऐसा हो सकता है। पब्लिक रेस्टोरेंट्स में भी कोई किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, पब्लिक रेस्टोरेंट से वहाँ पे कोई भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि ये धर्म का नहीं आ सकता, वो धर्म का नहीं आ सकता। होटल्स में भी कोई ऐसा प्रोहिबिशन नहीं रहेगा, किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी होटल में जा सकता है। प्लस ऐसा पब्लिक एंटरटेनमेंट, वहाँ पे भी कोई भी किसी जात और धर्म का व्यक्ति जा सकता है। बी बी में क्या ऐसा बोला गया, वेल्स, जैसे कुआ होता है पानी का, टैंक्स, बाथिंग जो घाट्स होते नहाने के, रोड और प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट जो होते हैं, पब्लिक रिजॉर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जो होली और पार्टली यानी कि स्टेट फंड से चलती है, ये सारी चीजें पब्लिक घाट चलता है, वेल चलते हैं, टैंक चलते हैं, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट, ये पूरा स्टेट फंड से चलता है, पब्लिक फंड से चलता है, और वो डेडिकेट होता है सबके लिए, पूरे जनरल पब्लिक के लिए, ठीक है। वो किसी ग्राउंड आधार पर उसको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ये दो प्रोविजन आप बिल्कुल याद रखिएगा, ए और बी वाला, ठीक है, इस आर्टिकल में। और भी कुछ प्रोविजन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय द स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये ऐसे प्रोविजन है ए और बी में दिए हुए, यहाँ पे ना कोई स्टेट अथॉरिटी डिस्क्रिमिनेट करेगी या ना कोई प्राइवेट इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेट करेगा, और ऐसा कोई करते हुए दिखाई गया सीधा जाएगा जेल में, अंडर फंडामेंट, अंडर आर्टिकल 32 जेल में, यानी कि उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, इशू बढ़ सकता है। देर आर फोर एक्सेप्शन, चार एक्सेप्शन दिए गए इस रूल को लेके, नॉन डिस्क्रिमिनेशन को लेके, याद रखना ये चार क्या, यानी कि वहां पे अगर इन केस डिस्क्रिमिनेशन अगर किया भी गया तो भी वहां पे ऐसा कोई वायलेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन वो चार कंडीशंस कौन से, चार एक्सेप्शन हम देख लेते हैं। पहला, द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए अगर और महिलाओं के लिए अगर कोई स्पेशल प्रोविजन पब्लिक अथॉरिटी ने किया होगा तो वहां मानो मेन को प्रोहिबिटेड है तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन, जो लोकल बॉडीज होती है जैसे कि पंचायत इलेक्शन वगैरह, ठीक है, या फिर बच्चों के लिए जो फ्री एजुकेशन होता है उसमें, वो तो बच्चों के लिए फ्री रहेगा, वहाँ पे थोड़ी ना कोई आदमी ले सकता है। और जो लोकल बॉडीज में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिया गया है वो एक्सेप्शन है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद पी, ये किस लिए किया जाता है, ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया जाता है। जैसे कि इंडिया में कैसा है कि फादर डोमिनेटेड, पैट्रीवुड सोसाइटी इंडिया, ठीक है, मैट्रीवुड नहीं है, थोड़ा सा मेंटेलिटी में डिफरेंस है इंडिया में और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में। तो ये पहला डिस्क्रिमिनेशन है कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, स्टेट को परमिट किया गया है कि कोई भी स्पेशल प्रोविजन स्टेट कर सकता है फॉर एडवांसमेंट ऑफ कोई भी सोशली और जो एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस होंगे नागरिकों के, तो उनके लिए कोई भी स्पेशल विशेष प्रोविजन कर सकता है स्टेट पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। कि मान लो किसी को जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, यानी कि मानो वो एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स इसमें आ गई, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन यानी कि रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ, इनके लिए वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। उनका कंडीशन कंसिडर करके उनको वो चीज़ें दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर फी कंसेशन के लिए जो रिजर्वेशन मिलता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, या स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है, तो वो जो एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड क्लास है उसको ही मिलता है। तो ये हमने दो एक्सेप्शन देख लिए। तीसरा एक्सेप्शन मैं आपको बताता हूँ जो हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानेंगे अंडर आर्टिकल 15 में, ठीक है, तो वो है स्टेट को पूरी अथॉरिटी, यहाँ स्टेट का मतलब याद रखना, कोई राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पब्लिक अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ, स्टेट का मतलब। तो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को एक पब्लिक अथॉरिटी को पावर दिया गया है कि वो कोई भी स्पेशल प्रोविजन कर सकता है सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए सिटीजन्स की और शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल ट्राइब्स के लिए उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, सो वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट, जहाँ पे स्टेट उनको मानो फंड करता है नहीं करता है, ऐसी कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट होगी तो वहाँ भी स्पेशल प्रोविजन ये कर सकता है, भले वो स्टेट फंडिंग होगी या स्टेट फंडिंग वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि लेकिन उसमें एक्सेप्शन ऐसा है जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनको मात्र छोड़ के, बाकी किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में
भले वो पब्लिक फंडिंग होगी या स्टेट फंडिंग होगी, वो आप ही प्रोविजन करवा सकता है। जैसे आपने देखा होगा ना IIM, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सबसे बड़ा MBA का कॉलेज इसको माना जाता है, तो वहाँ पे भी अभी रिजर्वेशन कर दिया ना कुछ, ये तो हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्राइवेट प्लस स्टेट दोनों भी वहाँ फंडिंग करती है, लेकिन ज़्यादा डोमिनेंस यहाँ पे प्राइवेट का ही, लेकिन तभी यहाँ पे प्रोविजन करवा दी गवर्नमेंट ने कुछ जगह यहाँ पे SC ST के भी उनके लिए भी सिक्योर्ड रहेगी। डी, स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनके लिए भी कोई स्टेट प्रोविजन कर सकता है, वो भी अथॉरिटी स्टेट को है। जैसे कि 10% रिजर्वेशन दे देना एडमिशन्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि वो प्राइवेट हो या फिर हो स्टेट फंडेड हो, दोनों भी चलेंगे, ठीक है। या फिर रिजर्वेशन हो, रिजर्वेशन भी दे सकता है, अप टू 10% वुड बी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशंस, या फिर उस पर्पज के लिए इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उसको नोटिफाई किया जाएगा स्टेट के द्वारा फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम एंड अदर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस, ठीक है, कि भाई आपका इनकम कितना है क्या है, तो उस अकॉर्डिंग से उसको। तो ये चार एक्सेप्शन है, याद रख, समझ में आर्टिकल 15 क्या है, इज इट क्लियर? आर्टिकल 15 समझ में है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होते हैं और क्या नहीं होते, यानी कि आपको yes, कोई सवाल, यानी कि कोई आपको सवाल नहीं रहेगा दिमाग में कि सर ये तो इनको तो रिजर्वेशन मिलता है, ये कहाँ का इक्वालिटी है, ठीक है। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 100% इक्वालिटी गारंटी नहीं करता, वो मान सकते बिकॉज कुछ सेक्शन ऐसे भी है जिनको कहाँ रिजर्वेशन है लेकिन वो बैकवर्ड है, बराबर, उनको रिजर्वेशन ही नहीं है, उनको तो ओपन में ही रखा है, तो ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट उसको हम मान भी नहीं सकते कि 100% इक्वालिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी ऐड कर देते हैं लोग, पॉलिटिकली किसी भी कैटेगरी को रिजर्वेशन दे देते हैं, किसी को माइनॉरिटी में रख देंगे, ठीक है। तो ये सब पॉलिटिक्स चलता है इनका। अभी रिसेंटली जैन कम्युनिटी को इसमें रख दिया ना इन्होंने, माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया, अभी बाकी कम्युनिटी मांग रही है हमें माइनॉरिटी का स्टेटस दो, उस अकॉर्डिंग। आर्टिकल 16 इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 16 में क्या दिया है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो भी होती है ना उसमें सबको समानता रहेगी, जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगा, सर जॉब निकालेगा, उसमें सबको समानता, उसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी जाति धर्म का पर्सन अप्लाई कर सकता है, किसी भी धर्म के आधार पर वहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको समानता रहेगी, याद दिया ना मैंने, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सो यहाँ पे भी 4 एक्सेप्शन में आपको बता देता हूँ वन बाय वन। पहला एक्सेप्शन ऐसा है, यहाँ पे पार्लियामेंट को जगह, यहाँ उन्होंने ये बोला है कि पार्लियामेंट कैन प्रेस्क्राइब रेसिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी। जैसे मान लो एग्जाम से महाराष्ट्र की बात कर लो, राज्य सेवा कंबाइंड एग्जाम, नेशनल लेवल पे UPSC है, सब हो ये एग्जाम से, बराबर। अब कुछ इसमें ऐसे जॉब्स हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, उनको रेसिडेंस वगैरह पार्लियामेंट प्रोवाइड करती है, उनको डिफेंस प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो जैसे UPSC का जो मानो क्वालिफाई करता है कोई पर्सन, UPSC पास होता है, तो भाई वो सीधा कलेक्टर बनेगा या IPS बनेगा या फिर इंडियन फॉरेन सर्विस में जाएगा या फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जाएगा, जो भी बनेगा उसको तो उसका तो लाइफ करियर है। इसका मतलब यह है कि UPSC में जो क्वालिफाई करेगा उसको रेसिडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, उसको सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे गवर्नमेंट के, ठीक है। तो ये थोड़ी ना डिस्क्रिमिनेशन है, ये तो उसके स्टेटस के हिसाब से है ना, उसने जो एग्जाम पास किया उसका स्टेटस के हिसाब से, यानी कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसके स्टेटस के हिसाब से दिया जाएगा। अगर मानो दो लोगों ने UPSC क्लियर किया, एक बना कलेक्टर और दूसरा बना IPS, या मानो दोनों कलेक्टर बन गए, अभी एक को दिया रेसिडेंस एक को नहीं दिया, ऐसा चलेगा क्या? ये तो फिर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है। ये धर्म का है तो चलो इसको डिस्क्रिमिनेशन, इसको बंगलो दे दो, इसको लाल दीवा की बत्ती वाली गाड़ी दे दो, ठीक है, सारी चीज़ें उसको दे दो, पुलिस प्रोटेक्शन दे दो और एक को कुछ ना दो, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। तो ये कंडीशन कंसिडर की जाती है, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्या है, कौन सी एम्प्लॉयमेंट उसको दी गई है, उसके हिसाब से वो डिसाइड किया जाता है। तो राज्य सेवा में भी सारी चीज़ें मिलती है, कंबाइन में भी जैसे कोई PSI बनता है
तो उसको भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जैसे रेसिडेंस मिलता है ओके, और जैसे ये अगर वो रेसिडेंट नहीं लेता तो उसका अलाउंस ले सकता है घर अलाउंस। सो एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस एक्ट ऑफ 1957 जो एक्सपायर्ड हुआ 1974 में, देयर इज नो सच प्रोविजन फॉर एनी स्टेट एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश, आंध्र को छोड़ के किसी स्टेट को ये प्रोविजन नहीं है, तेलंगाना और आंध्र को छोड़ के। चलो बी नंबर वाला ऐसा है, द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कुछ बैकवर्ड क्लासेस के लिए जैसे शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट की जो कैटेगरीज है या ओबीसी है, एनटी एनटीडी एनटीबी एनटीए, तो उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा ठीक है। कुछ वैकेंसीज उनके लिए रिजर्व की जाती है, दैट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विस ठीक है। तीसरा यहाँ पे एक्सेप्शन ऐसा है वो है कि लॉ कैन प्रोवाइड दैट द इनकमबेंट ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन और मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग बॉडी शुड बिलोंग टू द पर्टिकुलर रिलीजन और डिनोमिनेशन। तो कोई मानो कोई पोस्ट है गवर्नमेंट में, तो पोस्ट मानो पर्टिकुलर किसी रिलीजन के आदमी को ही मिलती है तो उसी को दी जाएगी, किसी अदर पर्सन को नहीं दी जाएगी ठीक है, बिकॉज वो उसी को रिप्रेजेंट करेगा उसके अंडर। और डी यहाँ पे एक्सेप्शन ऐसा है कि स्टेट इज परमिटेड टू मेक अ प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अप टू 10% ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन। इकोनॉमिकली जो भी वीकर सेक्शन है उसके लिए 10% यहाँ पे उन्होंने रिजर्वेशन बोला है अपॉइंटमेंट में, तो उनको दिया जाएगा। ये रिजर्वेशन कौन करेगा? पार्लियामेंट कर सकता है। और ये रिजर्वेशन जो है वो 10% रहेगा, अप टू 10% वुड बी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसमें ही 10% दिया जाएगा। सो फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनको नोटिफाई किया जाएगा पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैमिली इनकम, बिकॉज उनको उनके फैमिली वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है इसलिए उनको वो रिजर्वेशन दिया गया है। जब उस समाज का उस कैटेगरी का रिजर्वेशन यानी कि इकोनॉमिक इनकम जब अच्छा हो जाएगा तो उनका निकाला जा सकता है बाद में ठीक है। अब मंडल कमीशन एंड अफ्टरमैथ, मंडल कमीशन इम्पोर्टेंट है याद रखना, एग्जाम में पूछा ही जाएगा बता देता हूँ, तो इसलिए इसको नोट डाउन ही कर लो, इसका स्क्रीनशॉट सबके निकालो लेकिन इसका भी निकालो। मंडल कमीशन अगर आपको पूछा गया ये किससे रिगार्डिंग है, देन यू शुड नो दिस। 1979 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने ये सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को अपॉइंट किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीबी मंडल। पीबी मंडल ये चेयरमैन थे और ये मोरारजी देसाई गवर्नमेंट में ये मंडल अपॉइंट किया गया था। मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट कब था? 1979 में। और ये पीबी मंडल जो थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो इन्होंने आर्टिकल 340 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इस 340 में क्या दिया है, 340 में दिया है सोशली एंड एजुकेशन जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं उनके कंडीशन को इन्वेस्टिगेट किया जाता है 340 के अंडर, यानी कि सर्वे किया जाता है इनका कि रियली ये इतने बैकवर्ड है सोशल और एजुकेशनली, तो चलिए देख लेते हैं। तो 340 में क्या होता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है सोशल और बैकवर्ड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस को, और उनके लिए कुछ मेजर्स कुछ मेजरमेंट सजेस्ट किए जाते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए उनके एडवांसमेंट के लिए, कि हम इस सेक्शन को जो एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड है, सोशली ने उनके साथ अन्याय हुआ है ऐसे सेक्शन के साथ, तो उसमें क्या किया जाता है वहाँ पे उनके एडवांसमेंट के लिए कुछ स्टेप्स जो होते हैं कुछ मेजर सजेस्ट किए जाते हैं, किसमें दिया है, 340 में दिया है, यानी कि ऐसे सेक्शंस को पहले ढूंढना और उनको उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ मेजरमेंट सजेस्ट करना, ये आर्टिकल 340 का काम है ठीक है। सो कमीशन ने उनका रिपोर्ट सबमिट किया था 1980 में और उन्होंने 3743 यानी कि 3743 कास्ट ढूंढ के निकाली दी ऐसी जो सोशल और एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस में आती, तो उन सबको रिजर्वेशन दिया जाएगा। चलिए देखते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 52% कंपोनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, बहुत जबरदस्त। तो मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दिया, बाप 52% ऐसे लोग है जो सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस में आते, 3743 कास्ट है और ये आर्टिकल 340 के अंडर ये सर्च किया गया था ठीक है, इन्वेस्टिगेट किया गया था। तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे क्या किया, शेड्यूल कास्ट को एक्सक्लूड किया था और शेड्यूल ट्राइब दोनों को एक्सक्लूड किया था, इन दोनों को छोड़ के उन्होंने 52% ऐसे सोशल और एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस ढूंढ के निकाली थी,
इसमें एससी और एसटी को ऐड ही नहीं किया था, ये तो अलग था। ठीक है, जनरली ये जो कमीशन था मंडल कमीशन, ये ओबीसी के लिए था, एससी एसटी के लिए नहीं था। ठीक है, और इसे ओबीसी को बाद में उन्होंने तैयार किया। सो कमीशन रिकमेंडेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ 27% गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो मंडल कमीशन सबसे बड़ा कमीशन ओबीसी के लिए, यही कमीशन आया था सबसे पहले, तो इसी ने 27% जॉब जो है ना ग्रांट कर दी किसके लिए, ओबीसी के, ओबीसी में जो जो आएंगे एससी और एसटी छोड़ के सारी चीजें ओबीसी में आएगी, नेशनल लेवल पे सब ओबीसी बन जाते हैं। जो एनटी और एनटी ए और एनटी डी में आता है ना, एनटी बी और एनटी सी में, वो भी ओबीसी बन जाते हैं नेशनल लेवल में। तो ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया यहाँ तक, मंडल कमीशन, मंडल कमीशन की रिपोर्ट समझ में आई आपको? यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मंडल कमीशन ने यह बोला था कि 27% रिजर्वेशन इन कैटेगरीज को देना चाहिए। ओबीसी में कितने कैटेगरी आती है, 73,740 इतने कैटेगरीज ओबीसी में कंसिडर की गई और उनको 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। और इससे क्या होगा, इससे होगा कि टोटल जो रिजर्वेशन है एससी एसटी और ओबीसी का, ये टोटल कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 57% के ऊपर, 50% के ऊपर रिजर्वेशन क्रॉस नहीं होना चाहिए। सो इट वाज आफ्टर 10 इयर्स इन 1990 दैट वीपी सिंह गवर्नमेंट, उन्होंने डिक्लेयर किया कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। मंडल रिपोर्ट जो था, मंडल कमीशन का, इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट किया था फाइनल, इसको उस पर स्टैम्प दे दिया, को नहीं, किसने दिया, वीपी सिंह गवर्नमेंट ने दिया था उसके, कि चलो अब इसको रिजर्वेशन दे देते 27%। तो ओबीसी एससी एसटी और तीनों का मिलके 50% रिजर्वेशन हो रहा है। सो अगेन इन 1991 में नरसिंह राव गवर्नमेंट आया और इन्होंने अगेन दो चेंजेस किए ओबीसी रिजर्वेशन में। पहला चेंज था प्रिफरेंस टू द पुअर सेक्शंस अमंग द ओबीसीज इन द 27% कोटा। तो 27% का कोटा है ओबीसी कैटेगरी के लिए, उसमें गरीब लोगों, गरीब सेक्शन जो है उन लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, दैट इज अडॉप्शन ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया, उनका इकोनॉमिक क्राइटेरिया कंसिडर किया जाएगा इन ग्रांटिंग रिजर्वेशन, रिजर्वेशन देने में उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी एज अ गरीब। और बी सेकेंड इसने प्रोविजन ये किया वो था कि 10% दूसरा अनादर इनको रिजर्वेशन ऐड किया जाएगा वो जॉब्स के लिए, गरीब लोगों के लिए जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। पुअर का मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड, नॉट सोशली, याद रखना पुअर है सोशली बैकवर्ड नहीं, इकोनॉमिकली से। सो रिजर्वेशन सेक्शंस ऑफ हायर कास्ट वो आर नॉट कवर्ड बाय एनी एग्जिस्टिंग स्कीम्स ऑफ रिजर्वेशन। उन्होंने ये बोला सेकेंड में 10% जो रिजर्वेशन है वो किसको दिया जाएगा, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, ओबीसी में नहीं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो हम ओबीसी में किसको कंसिडर किया, सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड, वो ओबीसी में आ गया। और इकोनॉमिकली बैकवर्ड में जो पुअर है, गरीब है, उनको भी 10% दिया जाएगा। ठीक है, हायर कास्ट, और उसमें हायर कास्ट में कुछ गरीब लोग आएंगे, ओपन में गरीब लोग, वो आर नॉट कवर्ड बाय एनी एग्जिस्टिंग स्कीम्स ऑफ रिजर्वेशन, जिनके लिए कोई रिजर्वेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। समझ में आया आर्टिकल 16? अब 17 पे आ गए हम, आशा करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे से। कोई डाउट क्वेश्चन होगा तो बेशक पूछिए, डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। सर जस्ट वन क्वेश्चन, सर डू यू सपोर्ट रिजर्वेशन सिस्टम एंड डू यू फील दैट इट इज रिक्वायर्ड इन टुडेस टाइम? आंसर इन अ सिंपल एंड प्लेन मैनर इज दैट रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू ओनली दोस पर्सन, दोस कम्युनिटीज हु आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, okay, and not on the basis of caste or religion. Economically backward जो है बस गरीब जो है उनको दिया जाना चाहिए, but जो गरीब, गरीबी से जो ऊपर आ गए उनको तो वो भी reservation का enjoy करते हैं, तो उनको reservation तो मिलना ही नहीं चाहिए जैसे देखा गया। तो there are also sections in SC or ST who are quite developed through reservation, now they don't need reservation anymore. But still they are enjoying the rights of reservations. So it is not used for them. Okay, so, sir. हाँ, ऐसा क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करना चाहिए जो इकोनॉमिकली रियली बैकवर्ड है,
और उनको ही देना चाहिए, बाकी सबको ओपन में कर देना चाहिए। तो ये बेस्ट रहेगा सो दैट उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। बट अभी गवर्नमेंट ऐसा करेगा नहीं, बट वो इंडिया में क्या है, इंडिया में बहुत सारी कास्ट है, कैटेगरीज है, गवर्नमेंट हमेशा अपना फायदा देखेगा। ऐसा करने की कोशिश की गवर्नमेंट तो अगले साल गिर जाएगा मार्केट, ठीक है। सो रिजर्वेशन देना ना देना ये सेंट्रल के हाथ में होता है, और निकालना भी उसी के हाथ में होता है, ठीक है। Yes, article, thank you. Yeah, article 17 abolishes untouchability and forbids its practice in any form. Abolition of untouchability जो होता है, यानी 17 में क्या दिया, abolition of untouchability, जो पहले socially backward caste थी, यानी कि generally बोल सकते हैं SC जो caste थी, scheduled caste, इनके साथ थोड़ा अन्याय हुआ in history, तो before independence और you know after independence भी बहुत सारा अन्याय हुआ है, तो उनके लिए आर्टिकल डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर ने स्पेशल ऐड किया है, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता निवारण इसको हम बोल सकते हैं। तो 17 के अंडर ये अनटचेबिलिटी करना ये क्राइम है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी ये नहीं कर सकती, और अगर कोई इंडिविजुअल जो है प्राइवेट वो भी नहीं कर सकता है, और उसने भी करने की कोशिश की तो वो भी क्राइम के अंडर आ जाएगा, उसके ऊपर IPC सेक्शन लग जाएंगे। सो फॉरबिड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, so the enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable, ठीक है, punishable in accordance with law, जो law create किया गया untouchability का violation के लिए उसके according उसको directly punishment होगी अगर कोई इसकी practice करेगा तो। so 1976 एक कानून pass किया गया 1976 में, that was untouchability offences act, okay. So 1955 has been comprehensively amended. तो ये जो पहले था 1955 का था, ये इसको amend किया गया 1976 में. Comprehensively amended and renamed as the Protection of Civil Rights Act 1955. तो इस act को नाम बदला गया. Untouchability Offences Act का नाम क्या किया गया? Protection of Civil Rights Act 1955. To enlarge the scope, इसका scope बढ़ाने के लिए and make penal provisions more stringent. उसमें और भी जो लॉ है उसमें और भी प्रोविजंस स्ट्रिक्ट की गई, ठीक है। पिनल प्रोविजंस का मतलब मैंने अभी आपको बोला कि IPC धारा भी इसमें लगती है, इंडियन पिनल कोड। और ये जो एक्ट है ये डिफाइन करता है सिविल राइट को एज एनी राइट अक्रूइंग, ठीक है, अक्रूइंग टू पर्सन बाय रीजन ऑफ द एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी बाय आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज क्लियर हियर, सो दिस कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड। यूपीएससी में मेंस को आपको फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल 15, 16, 17 इतने इंपॉर्टेंट है, राइट टू इक्वालिटी इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ से, मैं तो बोल सकता हूँ कि यार यूपीएससी में मैं ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको 10-12 बना सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, और आपको उसके ऊपर आंसर लिखना है। सो यानी कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हो, बहुत सारे अपने ओपिनियंस को आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा, दैट वॉज वेरी नाइस, यू नो रितिका ने पूछा डू यू सपोर्ट रिजर्वेशन, ठीक है, तो ये भी इसके ऊपर भी आप लिख सकते हो, डू यू सपोर्ट रिजर्वेशन, इफ यस प्लीज इलैबोरेट, यस और नो वॉट एवर बट प्लीज इलैबोरेट, उसको इलैबोरेट करिए कैसे। तो फिर आपको आप 200 वर्ड्स में उसको आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, आप क्या क्या चीजें इसमें ऐड करोगे, आपको ऐसे भी कुछ लिखना नहीं वहाँ पे जिससे आप किसी कास्ट को हेट कर रहे हो, ठीक है, या आप किसी धर्म को हेट कर रहे हो, तो आप ऐसे भी नहीं कर, या किसी कास्ट को आप नीचा दिखा रहे हो, या किसी कास्ट को आप हायर दिखा रहे हो, ऐसा आप लिख नहीं सकते आंसर में। तो आपको आंसर ऐसा लिखना है, इट शुड बी बैलेंस्ड एंड वेल मेड, एकदम बैलेंस आंसर आपका आना चाहिए, एक एज एन IAS ऑफिसर लेवल का आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है। सो द टर्म अनटचेबिलिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड आइदर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इन द एक्ट, कानून में और हमारे संविधान में ये कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं अनटचेबिलिटी, ठीक है। बट इसका जो है, जिसे मैंने आपको इसके बारे में बताता हूँ कि मैसूर हाई कोर्ट ने एक बार बताया था कि द सब्जेक्ट मैटर जो है आर्टिकल 17 में जो भी दिया गया है वो अनटचेबिलिटी नहीं है इन इट्स लिटरल और ग्रामेटिकल सेंस, बट ये प्रैक्टिस है, ठीक है, ये प्रैक्टिस है, अगर इसको जो भी परफॉर्म करेगा वो उसके अगेंस्ट में उसको पनिशमेंट होगी। इट इज अ प्रैक्टिस नॉट literally or grammatical sense or it is not defined, iski koi definition nahi hai, ye ek practice hai untouchability, aisa Mysore High Court ne bola tha. To
इट हैड डेवलप्ड हिस्टोरिकली इन द कंट्री, ये हिस्टोरिकली कंट्री में डेवलप हुई है, यानी मैंने आपको बताया ना कि हिस्टोरिकली जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी उनके ऊपर अत्याचार किए गए हिस्टोरिकली और आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो. सो हेंस वी कैन से इट रेफर्स टू द सोशल डिसेबिलिटीज इम्पोज ऑन सर्टन क्लासेस ऑफ पर्सन बाय रीजन ऑफ देयर बर्थ इन सर्टन कास्ट. तो किसी पर्सन का जन्म अगर किसी पर्टिकुलर जात में होता है तो फिर इट रेफर्स टू सोशल डिसेबिलिटीज इम्पोज ऑन, तो उन लोगों पर पहले ऐसे सामाजिक उनके ऊपर बहिष्कार किया जाता डिसेबिलिटीज. सो हेंस इट डज नॉट कवर सोशल बॉयकॉट ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स और देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीजन रिलीजियस सर्विसेज एटसेट्रा. ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती है डिसेबिलिटी में. और सुप्रीम कोर्ट ने और एक चीज बताई थी आर्टिकल 17 के बारे में, वो ये था इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स. ये बताया ना आपको कि पब्लिक पर्सन की अथॉरिटी या प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट आपको आर्टिकल 17 जो है वो अवेलेबल है. दोनों भी क्राइम नहीं कर सकते एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन. और ये हमारा संविधान ने दिया हुआ एक ऑब्लिगेशन है. ठीक है, टू टेक नेसेसरी एक्शन टू एंश्योर दैट दिस राइट इज नॉट वायलेटेड. तो ये पूरा हमारे स्टेट पब्लिक अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये राइट वायलेट नहीं होना चाहिए आपका. ओके, हंटेज ऑलरेडी क्लियर. देन फिफ्थ नंबर पे हम आते हैं एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स एंड दिस इज द लास्ट, यानी कि इक्वालिटी में इक्वालिटी का लास्ट राइट है, राइट इक्वालिटी का एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स. आर्टिकल 18 एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स एंड मेक फोर प्रोविजंस इन दैट रिगार्ड. आर्टिकल 18 में एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स का मतलब क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ. ठीक है, यहाँ पे स्टेट को सिर्फ एक्सेप्शन दिए गए हैं कि 18 जो आर्टिकल है ये टाइटल्स और कुछ प्रोविजंस को यहाँ पे बनाता है, कुछ टाइटल्स को अबॉलिश करता है. लेकिन अगर मिलिट्री टाइटल होगा जैसे कि मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, ये टाइटल्स मिलिट्री टाइटल्स ये चलेंगे. या फिर कोई एकेडमिक डिस्टिंक्शन का कोई एकेडमिक टाइटल होगा वो भी चलेगा, सर, ठीक है, मैडम, ये टाइटल्स चलेंगे. ये तो रिस्पेक्टफुली हम बोल रहे हैं. ठीक है, या सो ऑन एनी बॉडी उनका रिस्पेक्ट, इसलिए हम उसको बोलते हैं हम, लाइक वो इनइक्वालिटी नहीं है. ठीक है, सो वेदर अ सिटीजन और अ फॉरेनर, तो सिटीजन हो या फॉरेनर हो उसके लिए यह राइट अवेलेबल है. बी, इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट. किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई भी टाइटल इंडियन सिटीजन नहीं ले सकता है. ठीक है, और सी, अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैनॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इंडियन गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कॉन्सेंट के बिना कोई भी फॉरेन कंट्री का टाइटल जो है हमारे इंडियन पर्सन जो है वो ले नहीं सकता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती है. और डी आता है यहाँ पे, नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस, एनी ऑफिस और प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट. कोई फॉरेनर है, कोई नागरिक है, अगर वो इंडियन स्टेट के अंडर में कोई ऑफिस होल्ड कर रहा है तो, या फिर कोई प्रॉफिट, उसका कोई बिजनेस है, प्रॉफिट का मतलब बिजनेस है यहाँ पे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा, वट एवर इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट. तो प्रेजेंट है, इमोल्यूमेंट है और ऑफिस फॉर्म है और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये भी यहाँ पे नहीं चलेगा. ठीक है, सो फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट द हेरिटेटरी टाइटल्स जो है जैसे कि महाराज, राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, ठीक है, महाराज, सो ये जो हेरिटेटरी टाइटल्स है ये इनको अबॉलिश कर दिया है अभी, ये अभी नहीं चलता है. लोग अपने हिसाब से बोलेंगे किसी को तो डैरेज हो गया, बट वो पर्सन खुद को नहीं बुलवा लेगा ये. ठीक है, विच आर कॉन्फर्ट जो कॉलोनियल स्टेट के टाइम पे इनको दिया गया था, ब्रिटिश के टाइम पे, तो अभी बैन किए गए हैं अंडर आर्टिकल 18. बिकॉज इसके कारण क्या होता है, इक्वल स्टेटस नहीं रह पाता है, फिर इनइक्वालिटी क्रिएट करता है. चलो ये महाराज है, बाकी क्या उनकी गुलाम है. ठीक है, ऐसा हो जाता है. ठीक है, सो इन 1996 सुप्रीम कोर्ट जो है उसने अपना एक जजमेंट दिया. उन्होंने ये कहा था कॉन्स्टिट्यूशन जो वैलिडिटी है जैसे कि नेशनल अवार्ड, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ठीक है, तो ये चलेगा, ये वायलेशन नहीं है. सो उन्होंने ये भी बोला था कि ये जो अवार्ड्स है ये कोई टाइटल नहीं है, डज नॉट अमाउंट टू टाइटल्स.
ये आर्टिकल 18 के अंडर में नहीं आते, जो कि प्रोविड जो भी किसी भी हेरिडिटरी टाइटल को प्रोविड करता है आर्टिकल अंडर, ठीक है, आर्टिकल 18. सो देयरफॉर एनी देयरफॉर दे आर नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 18 एज थ्योरी ऑफ इक्वालिटी डज नॉट मैंडेट दैट मेरिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड. तो ये किसी भी आर्टिकल 18 को ये वायलेट नहीं कर रहे ये वाले, ठीक है. So these national awards were instituted in 1954. These जो national awards हैं, 1954 में इनको institute किया गया था, इनको बनाया गया था. जनता पार्टी जो थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट जो मोरारजी देसाई उनके हेड थे, इन्होंने इनको डिसकंटिन्यू कर दिया था 1977 में. लेकिन फिर से जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में आई थी, इन्होंने फिर नेशनल अवार्ड्स को इम्प्लीमेंट किया. तो यहाँ पे हमने आर्टिकल 18 को भी खत्म कर दिया. सो कोई डाउट कोई क्वेरीज होगी यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम. There is doubt, always welcome. You can ask me anytime. If not, then we'll proceed. Very important chapter of Fundamentals. Very, very important. Star Mark chapter 1. Indian Constitution ka sabse important chapter hai. First importance isi ko deta. Uske baad parliament aata hai. DPSP and parliament aata hai. इसे ट्रेनिंग है मुंबई, मुंबई में बारिश हो रही है क्या? नो सर. नो, ओके. सो हियर कंटिन्यूअसली रेनिंग, सो नो इशू. सो राइट टू फ्रीडम विल डिस्कस प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट्स, ठीक है. नाउ दिस सिक्स राइट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 19 से हम स्टार्ट करेंगे, 19 से लेके 22. इसमें आता है आपको राइट टू फ्रीडम, लिख लो, याद करना है, पूरा मगअप कर लेना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना. जब व्हेन आई विल आस्क यू क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास कि विच आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू व्हाट, यू शुड बी एबल टू टेल मी आर्टिकल 19 क्या गारंटी देता है. इसमें सिक्स राइट्स की गारंटी दी है, छह राइट दिए आर्टिकल 19 में. पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, बोलने का और खुद को एक्सप्रेस करने का अधिकार. राइट टू असेंबल पीसफुली, दैट इज पीसेबली विदाउट आर्म्स, ठीक है, यानी कि कुछ भी आर्म्स वगैरह जो होते हैं ना, यानी कि हथियार वगैरह हम बोलते हैं, विदाउट हथियार एकदम शांत तरीके से आप असेंबल हो सकते हो, यानी कि मानो आपको कोई प्रोटेस्ट करना है तो शांत तरीके से कर सकते हो. राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, संगठन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हो, ये अधिकार है आपको. राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी पार्ट में, जहाँ पे इंडिया का, जहाँ तक इंडिया है वहाँ तक आप किधर भी घूम सकते हो, लेकिन इंडिया क्रॉस करके मत जाना, अदरवाइज चाइना में घुस जाओगे या पाकिस्तान में घुस जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे इतना मूव फ्रीली नहीं मूव कर पाओगे. उसके बाद राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी टेरिटरी में किसी भी पार्ट में आपको रिसाइड करने का अधिकार है, सेटल हो सकते हो आप. राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन आप कर सकते हो. उसके बाद साथ साथ कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, ठीक है. ओरिजिनली आर्टिकल जो 19 है इसमें सेवन राइट्स है, सेवन राइट्स थे, ठीक है, लेकिन एक राइट था इसमें जो था राइट टू अक्वायर प्रॉपर्टी को होल्ड करने का, एक्वायर का और डिस्पोज करने का अधिकार, लेकिन इसको हटाया गया. जैसे मैंने आपको कहा था ना सेवन पूरे फंडामेंटल राइट्स है, सेवन इसमें से जो एक था सिक्स नंबर का राइट टू प्रॉपर्टी, उसी के साथ साथ ये भी चला गया. जैसे वो चला गया तो ये भी चला गया, तो अभी ये सिर्फ सिक्स है, सेवन नहीं है. तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में अमेंड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, और उसके अंडर इसको हटाया गया था सेवन नंबर पे. देखो टोटल फंडामेंटल राइट्स भी कितने थे, सेवन थे, और फ्रीडम राइट टू फ्रीडम में कितने राइट आते थे, सेवन ही आते थे,
लेकिन इसमें से भी एक कट गया, उसमें से भी एक कट गया, जो मेन है वो छह राइट है और उस छह में ये सारे आर्टिकल्स आते हैं, वो आपको मगअप करना है, हर एक आर्टिकल याद रखना है। ये जो सिक्स राइट्स है ये प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन को अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शंस एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के एक्शन से प्रोटेक्ट नहीं करते, जो स्टेट एक्शन होती है बस उसी से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। छह राइट स्टेट एक्शन आने की पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ। सो मोर एवर दीज राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स एंड टू शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी बट नॉट टू फॉरेनर्स। ये जो राइट्स है ये राइट्स सिर्फ किसको अवेलेबल है, हमारे इंडियन सिटीजन्स को, और जो इंडियन कंपनी के भागधारक है शेयर होल्डर्स उनके लिए अवेलेबल है, किसी फॉरेनर के लिए नहीं है या किसी लीगल पर्सन के लिए नहीं है, जैसे कंपनी जो होती है कॉर्पोरेशन होती है उसके लिए। ठीक है, सो यहाँ तक हमने ये डिस्कस किया। तो यहाँ तक आपको मैंने ये क्लैरिफाई किया। नाउ जैसे आपने कभी कभी सुना होगा किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने गवर्नमेंट के खिलाफ घोषणाबाजी की, बाकी लोगों को भड़काने की कोशिश की, ठीक है, वो तो उसका राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेस है, एक्सप्रेशन है, वो तो फ्रीडम ऑफ राइट का, ठीक है, राइट टू फ्रीडम का इस्तेमाल करता है ना वो। जैसे लास्ट टाइम दिल्ली में हुआ था तो उनको जेल की गई थी, उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाया गया था। सेडिशन का डेफिनेशन नहीं पता पुलिस लोगों को सेडिशन क्या होता है, लेकिन उसके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा दिया था, रॉन्ग चार्ज लगा दिया था उसके ऊपर। सो ये सारी चीजें होती है, तो ये हमारा राइट है, फ्रीडम, आप बोल सकते हो, आप गवर्नमेंट का गाली दे सकते हो अगर गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा है। इंडिया डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हम गवर्नमेंट को चुनते हैं, वो हमारे नुमाइंदे हैं जहाँ वो पार्लियामेंट में बैठे, ठीक है। तो ऑफिस है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे बिन काम के कुछ भी गाली देंगे, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आप बोल सकते हैं, आपका बोलने का अधिकार है। पब्लिक अथॉरिटी को तो आप बोल ही सकते हो, जो पार्लियामेंट में बैठा है उसको तो कुछ भी बोल सकते हैं। ओरिजिनली आर्टिकल, सो हमने ये स्लाइड डिस्कस कर लिया, आगे आगे चलते हैं। जिसको संविधान पता है, जिसने संविधान अच्छे से पढ़ा है ना, वो अपना ओपिनियन अपना वो कभी डरेगा नहीं किसी से, ठीक है। संविधान पढ़ा है ना कि डिटेल में डीप में पढ़ा एकदम, तो ऑब्वियस है कि वो अपना राइट अच्छे से वो मांडेगा, भले वो पुलिस हो किसी हो, किसी को डरेगा नहीं, तो उसको संविधान अच्छे से पता है, और उसने कोई क्राइम नहीं किया और उसको पुलिस जबरदस्ती पकड़ के ले जाती है, लेकिन उसको संविधान अच्छे से पता है, तो बंदा थोड़ी ना पुलिस को बोलने देगा, ठीक है, वो उसको वहां पे सही कर देगा वो। चलो, लेकिन हम क्या करते हैं, पुलिस देख के यार डर जाते हैं, हमको पुलिस ने भगा दिया, डरा दिया, पकड़ के लेके गए बिन काम का, ठीक है। तो आगे भी आपको उस डिपार्टमेंट में जाना है। तो स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, फंडामेंटल राइट्स जो राइट टू फ्रीडम में आते हैं आपके, उसके ऊपर स्टेट कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, ठीक है, ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ these six rights only on the grounds of mentioned in article 19. article 19 mein jo grounds diye hai usi ke aadhar pe state jo hai state ye rights ke upar jo article 19 mein jo freedom of right aapko diya hai article 19 mein 6 right hai 20 discuss karna baki hai 6 right hai iske upar kuch restricted yani ki ek reasonable restriction laga sakta hai। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को डिस्कस करते हैं। राइट हम डिस्कस करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी सारे राइट्स आपको याद रखने सारी। इसमें क्या दिया है कि हर एक नागरिक जो है इंडिया का, उसको अपने विचार, अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस, अपने बिलीफ्स, अपने कन्विक्शंस फ्रीली एक्सप्रेस करने का अधिकार है, वर्ड ऑफ माउथ से, यानी कि वो अपने माउथ से कर सकता है, अपने स्पीच से कर सकता है बोलने के बाद, अपने राइटिंग से वो कर सकता है, प्रिंटिंग से कर सकता है, पिक्चरिंग से कर सकता है, और इन एनी मैनर्स, और किसी भी मैनर से कर सकता है। अपने कभी कभी देखो करो न्यूज़ में कार्टून से भड़क गया है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उसने कार्टून बना दिया, ठीक है। तो ये आपका अधिकार है, अपने आप अपने भाषण से, अपने राइटिंग से, अपने प्रिंटिंग से, पिक्चरिंग से, अपने, तो आप अपना ये अधिकार
आपको अपना एक्सप्रेस कर सकते हो। सो यहाँ पे अगेन आपको सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है इसमें कुछ राइट्स आते हैं। देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में कुछ राइट्स आपको आते हैं। देखिए उन्होंने क्या क्या दिया है, आप इसके अंदर क्या क्या कर सकते हो। नंबर वन, देखो इंडिया ऐसा कंट्री है ना, मैं आपको बताता हूँ, लोगों को बाइबल पता होता है, महाभारत पता होता है, कुरान पता होता है, सब कुछ पता होता है, लेकिन उनको अपने अधिकार नहीं पता होते। ये रियलिटी इंडिया का, धर्म के बारे में सब कुछ पता होता है, ठीक है, जैसे लेकिन उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता। अब किसी को भी पूछ लो नहीं बता पाएगा वो, उसको पूछो अपने राइट्स क्या है, बताएगा कोई नहीं बताएगा, तो अनपढ़ तो बिल्कुल ही नहीं बताएगा। जिसने यूपीएससी का स्टडी किया है, जिसने एमपीएससी का स्टडी किया है, वो तो बता देगा, लेकिन जो अनपढ़ है उसका क्या, जो या फिर उसने ऐसा कोई स्टडी किया ही नहीं, तो उसको तो कुछ पता ही नहीं होता अपने राइट्स के बारे में। पुलिस को देखा डर गया, ठीक है। राइट टू प्रोपेगेट वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स, खुद के व्यूज को वो प्रोपेगेट कर सकता है, दूसरे के व्यूज को प्रोपेगेट कर सकता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस मिलता है इसके, इसी के अंदर है फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है। राइट अगेंस्ट ट्रैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है। राइट टू टेलीकास्ट है, दैट इज गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट की कोई मोनोपोली नहीं होती। सो राइट टू टेलीकास्ट, यानी कि टेलीकास्ट में कुछ भी टेलीकास्ट किया जा सकता है, गवर्नमेंट थोड़ी ना उसको मोनोपोली है मीडिया की, यानी कि मीडिया कुछ भी बता सकता है, जो रियलिटी है वो मीडिया सामने ला सकता है। अभी फिलहाल तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है। राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन अगर मानो बंद पुकार दिए तो बंद पुकारने का अधिकार है। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, गवर्नमेंट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो पता होने की बहुत जरूरत है। फिलहाल तो अभी कुछ गवर्नमेंट अभी सिटीजन को पता नहीं चल रहा है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस ये भी है। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के ऊपर प्री सेंसरशिप, ये भी राइट है, उसके ऊपर इम्पोजिशन लगाना उसके खिलाफ भी राइट। राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। पिकेटिंग का मतलब जैसे वो फलक वगैरह आप लेके ऐसे घूमते हैं ना, उसमें कुछ भी लिखा होता है, साइमन गो बैक, ठीक है। सो अभी फिलहाल फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिल्स के अगेंस्ट, तो वो पिकेटिंग लेके भी आंदोलन कर रहे हैं। जैसे उस पिकेटिंग में भी होता है ना, जैसे पनिश द क्रिमिनल्स, उस अकॉर्डिंग पनिश द रेपिस्ट, हैंग द रेपिस्ट, तो ये राइट्स आते हैं इसमें। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन हमने डिस्कस किया, उसमें और भी कुछ चीजें हैं। पब्लिक अथॉरिटी जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे और एक्सप्रेशंस पे, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सॉवरनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की एकता अखंडता, इंडिया की सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरेलिटी, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की निंदा इसको बोलते हैं, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, यानी कि किसी भी क्राइम को भड़काना, ठीक है, ऑफेंस को भड़काना, इसको कंसिडर करके पब्लिक अथॉरिटी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो अधिकार है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ठीक है। तो चलो ये क्लियर हो गया आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। दूसरा है फ्रीडम ऑफ असेंबली। देखो छह राइट है हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल 19 के, उसमें से दूसरा राइट है, हर एक सिटीजन को राइट है पीसेबली और विदाउट आर्म जो है वो एक जगह पे आना, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, इसमें पब्लिक मीटिंग का राइट आता है, डिमॉन्स्ट्रेशंस प्रदर्शन हो सकता है इसमें, प्रोसेशंस जो मिरौनक निकाल रहे हैं यानी कि प्रोसेशन निकालते वो भी इसमें राइट आता है। तो ये तीन राइट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछा गया फ्रीडम ऑफ असेंबली में कौन से राइट्स आते हैं, तो पब्लिक मीटिंग को होल्ड करना ये राइट आता है, डिमॉन्स्ट्रेशंस और प्रोसेशंस को टेक आउट करना, ये तीन राइट इंपॉर्टेंट, इसको आप डायरेक्टली अंडरलाइन कर लो, असेंबली पीसेबली और विदाउट आर्म्स, वो भी क्या करना है विदाउट आर्म्स, ऐसा नहीं कि आप पब्लिक मीटिंग
AK-47 राइफल लेके ले रहे हो, ठीक है, आपने गले में AK-47 लगाया, आप पब्लिक मीटिंग कंडक्ट कर रहे, सीधा आर्मी का हेलीकॉप्टर आएगा उठा के लेके जाएगा आपको, ठीक है। सो डेमोंस्ट्रेशन एंड टेक आउट प्रोसेसेस, सो दिस फ्रीडम कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन पब्लिक लैंड, तो ये सिर्फ पब्लिक लैंड पे करना है, ऐसे नहीं किसी मिलिट्री कैंप में घुस गए वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। एंड द असेंबली, ठीक है, मस्ट बी पीसफुल और अनआर्म्ड, जो भी प्रदर्शन कर रहे हो लोग जनता वो एकदम क्या होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए या फिर अनआर्म्ड होना चाहिए। दिस प्रोविजन डज नॉट प्रोटेक्ट वायलेंट डिसऑर्डरली राइटस असेंबलीज, जो मानो कोई गड़बड़ कर रहा है, दंगल का कंडीशन क्रिएट कर रहा है राइट्स का, या डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है, या वायलेंट प्रोटेक्ट कर रहा है प्रोटेस्ट, तो ऐसे कंडीशंस को स्टेट प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तो फिर सीधा फिर लाठीचार्ज कर देगा, ठीक है। वन दैट कॉजेस ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस, अगर कुछ ऐसा कर रहा है कि जिसके जिसके रिगार्डिंग पब्लिक पीस पीस वायलेट हो रहा है, तो ऐसे भी इसमें आएगा। वन दैट इन्वॉल्व्स आर्म्स, इसमें आर्म्स आता है, दिस राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक, इसमें राइट टू स्ट्राइक नहीं आता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, तो स्टेट इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है ऑन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ असेंबली ऑन टू ग्राउंड्स, दो ग्राउंड्स के ऊपर, एक होता है सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी, इंडिया का सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन द एरिया, ये सबको कंसिडर करके फिर रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा जा सकता है। सो अंडर सेक्शन 144, ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ना CPC, ये इसका सेक्शन है 144, 1973 में ये कानून बनाया गया था CPC, तो उसमें मैजिस्ट्रेट ने ये बोला था कि यहाँ पे मैजिस्ट्रेट को एक पावर दी गई, मैजिस्ट्रेट जो है कैन रिस्ट्रेन एन असेंबली, असेंबली को यहाँ पे रिस्ट्रेन कर सकता है अंडर ये 144 कलम लगा के, ठीक है, जो मीटिंग और प्रोसेशन है ये असेंबली है, असेंबली का मतलब यहाँ पे विधानसभा नहीं है, असेंबली का मतलब है जो लोग एकजुट हो रहे हैं एक जगह पे जमा हो रहे हैं, ठीक है, तो उनपे वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं मैजिस्ट्रेट। इफ देयर इज अ रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अगर मानो ये लोग ये यानी कि ऐसे साथ में आने के बाद कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, कुछ डेंजरस कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं जिससे ह्यूमन लाइफ को प्रॉब्लम हो सकती है, ह्यूमन लाइफ को डेंजर हो सकता है, हेल्थ को डेंजर हो सकता है, आरोग्य के लिए सेफ्टी को लिए डेंजर हो सकता है, या फिर कोई पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के लिए डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है, या राइट हो सकता है दंगल लोग कर सकते हैं एक आने के बाद, तो ऐसे कोई भी कंडीशन ये लोग क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर 144 लगाया जाता है वहाँ। 144 यानी आपको ये सेक्शन को बारे में पता होना चाहिए, 144 हमेशा न्यूज में आता है, याद रखना, ये गवर्नमेंट लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट भी लगा देता है, तो तभी लगता है जब मानो कुछ लोग एक जगह पे जमा हो रहे, कुछ अनर्थ करने वाले, ठीक है, कुछ ऐसी चीज कर देगी जहाँ राइट्स होने की शक्यता है, संभावना है, तो फिर वहां पे इनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो अगर कोई ऐसा करेगा, एक जगह जमा होने का काम करेगा, तो 144 लगा के उनको डायरेक्टली अरेस्ट करके जेल में रखा जाएगा, इसलिए जो कोई पुलिस डिपार्टमेंट जाएगा इनको ये कानून पता होना चाहिए। अंडर सेक्शन 141 जो इंडियन पिनल कोड का IPC का सेक्शन 141 है, इसका मतलब क्या होता है कि असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स बिकम्स अनलॉफुल इफ द ऑब्जेक्ट इज टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस, टू फोर्सिबली ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी और सम पर्सन, टू कमिट एनी मिसचीफ क्रिमिनल ट्रेसपास, टू फोर्स सम पर्सन डू एन इलीगल एक्ट, टू थ्रेटन द गवर्नमेंट और इट्स ऑफिशियल्स ऑन एक्सरसाइजिंग लॉफुल पावर्स, इंपॉर्टेंट है 141 ये IPC का कोड है, 144 ये CPC का कोड है, ये सिर्फ रेस्ट्रिक करता है जमा होने को, ठीक है, एक जगह पे, लेकिन 144 क्या करता है, अगर मानो 5 या 6 लोग एक जगह पे जम गए, 5 से अधिक लोग, अगर वहाँ पे कुछ लॉफुल सिचुएशन क्रिएट होगा, तो फिर ये यानी कि सपोज 5-6 लोग एक जगह पे जमा होना ये अनलॉफुल है, अगर सपोज ये 4 कंडीशन है, ABCD मीन्स ये लोग जो है ना 5 और उससे ज्यादा लोग ये क्या कर सकते, अगर ये मानो वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करेंगे किसी पर्सन की, या फिर जो लीगल प्रोसेस है या लॉ है
उसको ये एग्जीक्यूट करने से रोकेंगे, ठीक है, या फिर ऐसे लोग जो गवर्नमेंट को धमकी देंगे, उनके ऑफिसर्स को धमकी देंगे जो लॉफुल पावर से उनके एक्सरसाइज करने की उनके अकॉर्डिंग, या कुछ पर्सन को फोर्स करेंगे इलीगल एक्ट करने के लिए, तो ऐसे लोगों को रेस्ट किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 141। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया। सो एनी मोर डाउट आस्क मी। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ले लें 3 नंबर का। हर एक आदमी को राइट टू एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, हर एक राइट को, हर एक सिटीजन को अधिकार है एसोसिएशन संगठन बनाने का, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने का। इसमें क्या आता है, संगठन और कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या 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 आएगी इसमें, इट इंक्लूड्स द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, बना सकते हो आप कंपनीज, आप तैयार कर सकते हो, पार्टनरशिप फर्म्स आप लॉन्च कर सकते हो, सोसाइटीज आप बना सकते हो, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस और एनी बॉडी ऑफ पर्सन, और कोई भी बॉडी आप बना सकते हो, लेकिन वो लॉफुल होनी चाहिए। इट नॉट ओनली इंक्लूड द राइट टू स्टार्ट एन एसोसिएशन, इसमें सिर्फ एसोसिएशन आप स्टार्ट नहीं कर सकते, तो इसमें यूनियन या एसोसिएशन आप सिर्फ स्टार्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे और भी चीज आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि टू कंटिन्यू विद द एसोसिएशन और यूनियन एज सच। तो ऐसे एसोसिएशन और यूनियन को आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, चला भी सकते हो, सिर्फ स्टार्ट नहीं करना है, आप आगे चला भी सकते हो इसको। So further it covers the negative right of not to form or join an association or union. So further it covers, इसमें क्या क्या कवर होता है, negative जो right होते हैं, right of not to form or join an association or union, ये भी इसमें cover up होता है। So इसके ऊपर भी कुछ reasonable restriction state authority लगा सकती है, जैसे कि मानो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे clarify करता हूँ, अगर सपोज इंडिया ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे कुछ यूनियन, अगर सपोज ये लोग तैयार कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी तैयार कर रही है या फिर संगठन तैयार कर रहे हैं जिससे इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा होगा, मॉरलिटी को धोखा होगा, ठीक है, उसके साथ साथ इंडिया की सॉवरेनिटी को धोखा होगा, ठीक है, उस आधार पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो सब्जेक्ट टू दिस रिस्ट्रिक्शंस, तो ऐसे जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं, so citizens have complete liberty to form associations or unions for pursuing lawful objectives and purposes, ठीक है, so lawfully वो कर सकता है सारी चीजें, illegal नहीं कर सकता। so right to obtain recognition of the association is not a fundamental right, तो किसी भी संगठन को अगर suppose एक recognition identity अगर मिलना है, तो identity मिलना fundamental right नहीं है। अगर आपने मानो कोई company तैयार की, company को establish करना आपका fundamental right है, राइट टू एसोसिएशन में आता ना वो, लेकिन उसको मान्यता मिलना है थोड़ी ना फंडामेंटल राइट है, मान्यता फिर आप बाद में मिला, बाद में उसको आप लीगल प्रोसेस करो उसका, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था, ट्रेड यूनियन जो होती है उनकी वो हैव नो गारंटेड टू राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग और राइट टू स्ट्राइक और राइट टू डिक्लेयर अ लॉकआउट। सो द राइट टू स्ट्राइक कैन बी कंट्रोल्ड बाय एन ऑपरेटिव एप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ। अब यह थोड़ा अलग किस्सा है, यहाँ उन्होंने ये किसकी बात की है, यहाँ पे ट्रेड यूनियन की बात कर रहा है। ट्रेड यूनियन का जो लॉ होता है ना, वो उसमें इंडस्ट्रियल लॉ लगाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उनके नियम क्रिएट किए जाते हैं ट्रेड यूनियंस के। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, सो दिस इज द आई थिंक फोर्थ राइट वी आर डिस्कसिंग। मूवमेंट के लिए आप कहीं घूम सकते हो इंडिया के टेरिटरी में, कहीं भी जा सकते हो, मुंबई से दिल्ली जाओ, दिल्ली से चंडीगढ़ जाओ, चंडीगढ़ से फिर कश्मीर जाओ, कश्मीर से हिमाचल जाओ, कहीं भी जा सकते हो आप। माधुरी आपको पूछने वाला है, भाई तुम कहाँ से आए, वीजा लाया क्या दिल्ली का, पूछेगा कि आपको अरविंद केजरीवाल नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो आप घूम सकते हो, इंडिया इज नॉट फेडरेशन, इंडिया इज यूनियन, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, सो यू कैन गो टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यू कैन मूव फ्रीली फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर, कहीं भी घूम सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक शहर से दूसरे शहर। ये जो राइट है वो ये बताता है कि इंडिया इज वन यूनिट, यूनियन है सो फार एज सिटीजन आर कंसर्न, तो इसलिए पर्पज जो है इज टू प्रमोट नेशनल फीलिंग। तो ये जो राइट ऐड किया गया है, इसका पर्पज क्या है कि एक नेशनल फीलिंग को मोटिवेट करना, चालना देना, प्रमोट करना।
पैरोशलिज्म को प्रमोट नहीं कर रहा बट नेशनल फिल्म को प्रमोट कर रहा। द ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इसके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं लेकिन वो दो आधार पे, पहला होता है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, वो कंसिडर किया जाएगा, एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब, तो किसी भी शेड्यूल ट्राइब का इंटरेस्ट कंसिडर किया जाएगा। सपोज अगर आप अंडमान में घूमने जा रहे हैं, अंडमान या निकोबार, तो आप नहीं जा सकते वहां पे, लेकिन वहां पे कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरियाज है, वहां पे आप नहीं जा सकते। जैसे अंडमान में ट्राइबल एरिया है, कुछ जो आइलैंड्स है अंडमान के, वहां पे ट्राइबल लोग रहते हैं, तो वहां पे आप घूम नहीं सकते, वहां पे जा नहीं सकते आप। अगर गए भी कोई वहां पे तो फिर वापस नहीं आएगा। वाई? बिकॉज वहां सिटीजन को इसलिए नहीं जाने दिया जाता कि वो लोगों का जो कल्चर है, उनका जो ट्रेडिशंस है, उनका जो सोसाइटी है, वो पूरा अलग है। वो दे डोंट वांट आउटसाइडर्स कम एंड डिस्ट्रॉय देयर कल्चर, ठीक है, इसलिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल स्टेटस में रखा है। जैसे आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे कि कुछ स्टेट्स में आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, अगर आपको अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया में अगर जाना है अरुणाचल के, तो वहां पे क्या है, वहां पे ना ये होता है PIL, इसको बोलते हैं, वर्ड उसमें याद नहीं आ रहा मुझे, चलो बाद में आपको जैसे बताऊंगा आगे जब पढ़ोगे तो। जैसे आप अरुणाचल प्रदेश में जा रहे हो तो आपको परमिशन लगती है, वहां के सीएम से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, सीएम मीन सीएमओ से वहां के, तो सीएमओ आप जब परमिशन देगा वहां घूमने की, तभी आप घूम सकते, और लेकिन रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये होता है कि मूवमेंट हर जगह आप फ्रीली कर सकते हो लेकिन कुछ एरिया में नहीं कर सकते, तो ये होता है। दो जगह होती है कि जनरल पब्लिक का पर्पस कंसिडर किया जाता है इंटरेस्ट, और दूसरा हित होता है शेड्यूल ट्राइब्स का। The entry of outsiders in tribal areas is restricted to protect the distinctive culture. Already मैंने आपको बताया language, custom, culture को protect करने के लिए। So next हम discuss करते हैं यहाँ पे। Supreme Court ने एक judgment दिया था, उन्होंने बोला था कि freedom of movement जो है ना, freedom of movement of prostitutes आपको बताया, वेश्या, can be restricted on the ground of public health. पब्लिक हेल्थ के ग्राउंड के आधार पे उसको रजिस्टर किया जाएगा, एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मॉरल्स के इंटरेस्ट में। सो बॉम्बे हाई कोर्ट ने वैलिडेट किया था कि रेस्ट्रिक्शन जो होता है मूवमेंट ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय एड्स, तो ये उसको यानी कि एड्स होने के चांसेस है और उससे पब्लिक हेल्थ जो है डैमेज हो सकती है, तो इसका ये मूवमेंट जो है ना उन्होंने ये बंद करवा दिया। जस्ट अ मोमेंट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये हमने डिस्कस कर लिया। सो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हैज टू डायमेंशंस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के दो डायमेंशन होते हैं, एक होता है इंटरनल यानी कि राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री के अंदर घूमने का, दूसरा होता है एक्सटर्नल, राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री एंड राइट टू कम बैक टू द कंट्री, एक बार बाहर गया तो फिर वापस भी आना चाहिए। सो आर्टिकल 19 हमें प्रोटेक्ट करता है फर्स्ट डायमेंशन, सेकेंड डायमेंशन नहीं। कोई पर्सन अगर फॉरेन को गया, अगर वो वापस नहीं आया तो उसके लिए गवर्नमेंट थोड़ी जिम्मेदार है, वह उसके साथ कुछ भी हो सकता है अगर, लेकिन इंडिया में पूरा गारंटी है कुछ हुआ तो फिर इंडियन गवर्नमेंट है उसको देखने के लिए। तो सेकंड डायमेंशन जो होता है ना, ये आर्टिकल 21 से डील करता है, ये 19 से डील नहीं करता, याद रखना। सो आर्टिकल 19 से आपको पहली चीज को प्रोटेक्ट करेगा, मीन्स राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री, इसको आपको प्रोटेक्ट करेगा। सेकंड डायमेंशन आपको प्रोटेक्ट की जाएगी आर्टिकल 21 के द्वारा, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी का अधिकार, ठीक है। चलो हम आगे डिस्कस करते हैं फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, कहीं भी आप रह सकते हो, आप सेटल हो सकते हो, यह होता है राइट टू रेसिडेंस। इसमें दो पार्ट्स आते हैं, पहला पार्ट है राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि आप देश के किसी भी पार्ट में आप रिसाइड यानी कि रह सकते हो, जिसका मतलब है टू स्टे एट एनी प्लेस टेम्पररीली, यानी कि आप टेम्पररीली सिर्फ रह सकते हो। और दूसरा मतलब है राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, और इसका मतलब है आप वहाँ पे घर बना सकते हो, घर कर सकते हो, डोमिसाइल वहाँ का ले सकते हो, मीन्स परमानेंटली आप वहाँ पे रह सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या लगेगा, डोमिसाइल निकालना पड़ेगा, तभी आप वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट हो सकते हो।
डोमिसाइल नहीं वहां का तो फिर नहीं माना जाएगा. सो दिस राइट इज इंटेंडेड टू रिमूव इंटरनल बैरियर्स विद इन द कंट्री और बिटवीन एनी ऑफ इट्स पार्ट्स. किसी भी कंट्री किसी भी पार्ट को पार्ट में जो कुछ इंटरनल जो बैरियर्स है उनको निकालने के लिए बस ये प्रोविजन ऐड किया गया. और ये प्रमोट करता है नेशनलिज्म. ये नेशनलिज्म को प्रमोट करता है और ये अवॉइड करता है नैरो माइंडेडनेस को. ठीक है, तो ये सारी प्रोविजन हमने यहाँ पे डिस्कस. चलिए, यहाँ तक हमने डिस्कस किया. तो आगे का जो पार्ट बचा है तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर देता हूँ. तो फॉर 3 मिनट्स लेफ्ट, कोई डाउट्स क्वेश्चन होंगे तो पूछिए आप. आगे मैंने स्लाइड ही नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा टाइम हो गया था तो मैं स्लाइड नहीं बना पाया आगे. तो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस के ही बारे में होगा तो फिर मैं आपको ये कंटिन्यू करूँगा. हमने ऑलरेडी इसका मेन डायमेंशन डिस्कस कर लिया. तो आगे जो आपका रहा होगा यहाँ पे पहला राइट हमने डिस्कस किया ना, राइट. फाइव हुए और एक बाकी है. तो कौन सा बाकी है हमारा? राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये बाकी है. ठीक है, तो हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे. कोई डाउट होगा, क्वेश्चन क्वेरी होगी तो पूछिए. सर, इक्वालिटी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक. हेलो, हाँ, वॉइस ब्रेक हो रही है, बोलिए. तो ये आतिफ सर, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है ना, आर्टिकल 16, उसके ए पॉइंट में जो वो एक्सेप्शन है ना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, वो क्यों है? आर्टिकल 16, ओके, यहाँ पे बोला गया है. एक्चुअली वो जो उनका जो एक्ट है इसका, उनका एक्ट उन्होंने अलग से बनाया है. तो यहाँ उन्होंने ये बोला है कि पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो पब्लिक में जो एम्प्लॉयमेंट होती है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उसमें कुछ सर्टेन कंडीशन जो होती है. ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या बोला है कि कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस, उसमें वो रेसिडेंस प्रोवाइड करेगा इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, अगर यूनियन टेरिटरी में अगर उसका सर्विस अगर होगा उसमें भी, और लोकल अथॉरिटी बोला एज द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड एज टू रेसिडेंस. सो पब्लिक जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो एक्ट था 1957 का, ये एक्सपायर्ड किया गया 1974 में. ओके, एंड देर इज नो सच प्रोविजन फॉर एनी स्टेट, किसी भी राज्य के लिए अभी ये प्रोविजन नहीं रहा. ये प्रोविजन सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए रेसिडेंस का प्रोविजन, ये किसी अभी राज्य के लिए नहीं है. मैंने तो आपको यहाँ पे यूपीएससी का एग्जांपल दे दिया था, बड़े एग्जाम का एग्जांपल दे दिया था, बट हम स्टेट की बात कर रहे हैं आप. ठीक है सर. ये हाँ, ये प्रोविजन सिर्फ आंध्र और इन्होंने कंटिन्यू करा है. उन्होंने ये बोला कि हम ये प्रोविजन कंटिन्यू करेंगे रेसिडेंस वाला, आप बाकी राज्यों के लिए आप कर सकते हो कैंसिल. ठीक है, तो उसके अंदर ये उनका ये कंडीशन, ये जो प्रोविजन है उनका कंटिन्यू है. दे प्रोवाइड रेसिडेंस टू द पब्लिक ऑफिसर्स. ओके, एनी क्वेश्चन और वन मोर? प्रियंका, डायना, रितिका, राज? नो सर. ठीक है, तो हम आज के क्लास यहाँ पे स्टॉप करके, तो नेक्स्ट क्लास में जो लास्ट रेट बचा है फ्रीडम में से हम डिस्कस कर लेंगे और फिर आर्टिकल 20 स्टार्ट होगा. 20 भी इम्पोर्टेंट है, बाकी आर्टिकल्स फिर हम थोड़ा जल्दी आगे बढ़ेंगे, इतने बड़े बड़े नहीं है. ये 14-18 और 19-22 थोड़े बड़े आर्टिकल्स, इसमें प्रोविजन थोड़ी ज़्यादा भी है. ठीक है, सो आज की क्लास हम यहाँ पे स्टॉप कर दें. इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? लक्ष्मीकांत अगर लिया होगा तो पढ़ो उसको, नहीं लिया होगा तो फिर परचेस करो, ऑनलाइन मिल जाएगा, दुकान से लेने की जरूरत नहीं है. दुकान से भी और ज्यादा डिस्काउंट आपको ऑनलाइन में पड़ेगा.
ठीक है चलो फिर आज की क्लास यहाँ एंड कर दें. गुड नाइट एवरीवन. थैंक यू सर. गुड नाइट. यस वेलकम ऑल.